झांसी के राजकीय संग्रहालय में महाकवि गोपाल दास नीरज की पुण्यतिथि में नीरज स्मृति काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया और वहीं देश भर से आए 50 रचनाकारों का सम्मान समारोह किया गया। सम्मिलित होने वाले प्रमुख रचनाकारों में डॉक्टर अरविंद वत्स दिल्ली, डॉक्टर प्रभांशु कुमार प्रयागराज, राधे श्याम कुशवाहा विजय फर्रुखाबाद, श्याम मोहन नामदेव टीकमगढ़, सत्यनारायण रेगर चित्तौड़गढ़, सतीश अकेला गोरखपुर, अरुणा राजपूत हपुड़ा, अंजनी द्विवेदी देवरिया आदि को मुख्य रूप से सम्मानित किया गया। आज जरूरत है भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके, हंस हंस कर बलिदानों की परंपरा जो निभा सके, हंस हंस कर बलिदानों की, ऐसे वीर जवानों की जरूरत है जो कि पुलवामा में शहीद हुए हैं। मैं आज ये एक अच्छा सुहावना अवसर है कोरोना काल के बाद इस कार्यक्रम को करीब दो बार हम लोग स्थगित कर चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार भी बातों को एक नया कोई और आ गया है तो हो सकता फिर ना मुझे इसको स्थगित करना पड़े। और सबसे बड़ी जो सुहावना अवसर है कोरोना काल के बाद इस कार्यक्रम को करीब दो बार हम लोग स्थगित कर चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार भी बातों को एक नया कोई और आ गया है तो हो सकता फिर ना मुझे इसको स्थगित करना पड़े। और सबसे बड़ी जो स्थिति ये है विश्व रचनाकार मंच का जो मूल उद्देश्य है जिसका मैं संस्थापक हूँ, मुख्य अतिथि तो बाद में हूँ, संस्थापक पहले हूँ। हमारा जो मूल उद्देश्य है कि जो भी हिंदी के रचनाकार हैं उनका प्रोत्साहन जो भी संभव हो हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं और यही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग आयोजन नहीं कर सके, माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो खत्म नहीं हुआ, वो सतत संचालित होते रहे। इसके लिए हम लोग जगह जगह इकाइयों का गठन कर रहे हैं। झांसी में हमने इकाई अध्यक्ष हैं राजेश तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर शारदा सिंह पायल, प्रभारी है और लोगों का भी हम गठन करके मेरा उद्देश्य